जी, तो ओवरसीज़ का सवाल है कि जी मैं पैसे अगर भेजूं तो मेरा टोकन ना कोई खा जाए या मेरा लोग टोकन ना खा जाए, मुझे ये डर है। तो भाई सबसे पहले आप जिस बंदे को टोकन भेज रहे हैं आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, उसकी वर्थ चेक करें, उसका सबका रिकॉर्ड चेक करें, उसकी कंपनी चेक करें रजिस्टर्ड SEC के नहीं, उसके गूगल रिव्यूज़ चेक करें और उसकी वर्थ को चेक करें। जैसे मैं ग्वादर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी 130 एकड़ की हाउसिंग सोसाइटी है, अपना प्रोजेक्ट है, मेरे अपने नाम पे NOC है। अगर मैं किसी का टोकन बयाना 2-4-5 लाख मंगवाऊंगा तो मैं कभी नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे अपने स्टेक्स हैं, मेरी अपनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसी तरह आप भी चलते फिरते जो डीलर हैं उनकी पहचान करें, और जो प्रॉपर मार्केट में बैठे हुए हैं, जिनका मार्केट में होल्ड है, जिनका मार्केट में एक साख है, जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका टोकन बियाना खाने का जो डर है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, और ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो रेल्टर है, जो कंसल्टेंट है, उसकी साख, उसकी कंपनी की साख और उसके गूगल रिव्यूज़ और उसकी वर्थ ज़रूर चेक करें। थैंक यू। Oh, 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 oh